कि Cr2O7 माइनस टू में हाउ मेनी CrO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ये चीज पूछी हुई थी। तो पहले मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, Cr2O7 माइनस टू का स्ट्रक्चर होता है Cr डबल बॉन्ड O O माइनस O Cr डबल बॉन्ड O O माइनस। अब क्या होता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकलाइज कर जाए तो ये इधर डीलोकलाइज कर जाए, यानी एक स्ट्रक्चर में ये भी बना सकता हूं ना O माइनस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है, ये माइनस इधर आया तो डबल बॉन्ड बन गया, ये साइमल्टेनियसली इधर जाके माइनस चार्ज बना, तो ये माइनस चार्ज रोटेट कर रहा है तीन जगह। इसमें भी ऐसा ही होगा कि अगर ये इधर डबल बॉन्ड बना दे तो ये इधर आके माइनस चार्ज बन जाए। इसका मतलब ये होगा कि ये तीनों एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, ये तीनों एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, बट ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट, तो लेंथ कितनी इक्वल हो जाएगी, ये तीनों इक्वल होगी, ये तीनों इक्वल होगी। तो आंसर हाउ मेनी बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, तो आंसर वाज 6। नहीं नहीं, हाउ मेनी मैक्सिमम CrO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, अगर ऐसा क्वेश्चन बोला जाए तो है ना, तो बॉन्ड लेंथ सारी जो इक्वल, कौन सी रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन की वजह से, तीन ये और तीन ये छह। रेजोनेंस अभी अभी आते हैं इस पर थोड़ा देर, एक क्वेश्चन जेई का और आया था इसके ऊपर, क्वेश्चन था कि CO CO2 और कार्बोनेट, इनमें हमें पूछा था कि कंपेयर बॉन्ड लेंथ। ठीक, तो मैं स्ट्रक्चर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सी ये CO का मॉलिक्यूल मैं बना चुके हैं ऑलरेडी, CO2 का मॉलिक्यूल और कार्बोनेट का स्ट्रक्चर आज बनाया है डबल बॉन्ड O O माइनस O माइनस। अब मुझे बताना कि यहां कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, तीन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो मैं लिख दूं 3। यहां कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं CO में, दो, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर लिख दूं, और इसका बॉन्ड ऑर्डर हमने रेजोनेंस से कितना निकाला है 1.3 निकाला ना आज। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या हो गया, CO ग्रेटर देन CO2 ग्रेटर देन CO3 माइनस। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम, तो आंसर क्या आएगा कि CO लेस देन CO2 लेस देन CO3 माइनस टू द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बात समझ आ गई है, लेकिन अब यहां रेजोनेंस इसमें CO2 में हो सकता है रेजोनेंस, वो मैं समझाता हूं कैसे रेजोनेंस को। हाँ क्या बोला,